हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओलिम्प साइंस क्लास नंबर 252। आगे बढ़ते हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी एनसीईआरटी समरी सीरीज को और हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे अबाउट फ्लावर्स। इससे पहले वीडियोस में हम लोग लीफ, शूट और रूट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फ्लावर्स के बारे में हमें एक लाइन लोअर क्लासेस से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये सेम लाइन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, बट इस लाइन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। देखो, जब भी आप शूट की बात करते हो, स्टेम की बात करते हो, तो आपने एक स्टेम के एक बेसिक स्ट्रक्चर में देखा होगा कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं नोड्स, ठीक है। इन नोड्स से डेवलप होती है लीव्स, ये नोड्स, और ये नोड्स से डेवलप हो रही है लीव्स, नोड्स, नोड्स से डेवलप हो रही है लीव्स, और नोड्स के बीच का स्पेस यानी दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर नोड। जैसे जैसे स्टेम डेवलप होगा, इन इंटर नोड्स का होता है एलोंगेशन, जिससे प्लांट का लेंथ भी इंक्रीज होता है। अब जब फ्लावर फॉर्मेशन होता है, तब ये जो शूट का अपाइकल मेरिस्टम है, अब यही मेरिस्टम मॉडिफाई होकर बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टम। यानी जो पहले आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम था, अब ये शूट अपाइकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। अब जब ये फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद में जो एपेक्स वाला पोर्शन है यहां पर, यहां से लीव्स की जगह शूट होता, तो यहां से जो मेरिस्टमेटिक पार्ट यानी जो नोड वाला पार्ट है वहां से क्या डेवलप होता है, वहां से डेवलप होती है लीव्स। लेकिन बिकॉज अब ये फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ये फ्लोरल मेरिस्टम में यहाँ पे लीव्स की जगह कैलिक्स और कोरोला यानी जो सेपल्स और पेटल्स आपने देखे हैं फ्लावर्स में, ये सेपल और पेटल्स इन नोड्स से डेवलप होते हैं। शूट अपाइकल मेरिस्टम होता तो यहां से लीव्स बनती, अब बिकॉज यहाँ पर फ्लोरल मेरिस्टम बन चुका है तो यहाँ पर लीव्स की जगह पे कैलिक्स और कोरोला बनेंगे। उसके अलावा फ्लोरल मेरिस्टम और शूट अपाइकल मेरिस्टम में ये डिफरेंस है कि फ्लोरल मेरिस्टम इज कंडेंस्ड, जबकि अपाइकल मेरिस्टम कंडेंस्ड नहीं होता। अपाइकल मेरिस्टम में इंटरनोड्स का एलोंगेशन होता है, लेकिन फ्लोरल मेरिस्टम में इंटरनोड्स का भी एलोंगेशन नहीं होता, और एक्सिस का कंडेंसेशन हो गया। अब यही फ्लोरल मेरिस्टम में एपेक्स पे लीव्स की जगह पे क्या बनेंगे, लीव्स की जगह पे ये बनाएंगे फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी फ्लोरल के जितने भी पार्ट्स है। फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब हो गया फ्लावर्स के जितने भी अपेंडेजेस है उनको हम लोग कहते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। नाउ व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा जाता है। जब भी कोई शूट का टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है, तो हमेशा सॉलिटरी यानी अकेला वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन उसका होगा, ठीक है। तो ये इस लाइन का मीनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी वेरी वेल नो, हमने पढ़ा है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है, जो कि फ्लावर के ही पार्ट्स हैं, वही एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करते हैं। तो यस, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। कोई भी आप फ्लोरल एक्सिस की बात करें, उस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस अरेंजमेंट के लिए वर्ड यूज हम करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेसिमोज एंड साइमोज। डिफरेंस देखना आप दोनों के अंदर, ये पिक्चर है आपके सामने रेसिमोज की और साइमोज की। यहां पर मैं आपको एक बार बता दूं कि ये देखिए, यहां पर ये हो गया फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, ये वो एक्सिस है जहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। अब जो छोटे वाले हमने यहां दिखा रखे हैं, दीज आर यंग फ्लावर्स, दीज आर यंग फ्लावर्स, और जो जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब ये उतना ज्यादा ओल्ड होते जा रहे हैं। रेसिमोज की अगर आप बात करोगे, तो रेसिमोज के अंदर जो जो फ्लोरल एक्सिस का टिप है, उस टिप पे आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलता, यानी यहां पर कोई फ्लावर नहीं है। जबकि साइमोज में अगर आप देखोगे, तो यहां पर फ्लावर होता है। अब बिकॉज साइमोज में फ्लोरल एक्सिस के एंड पे एक फ्लावर बन चुका है, यानी कि अब ये जो है इसका लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकता, इस एक्सिस का लेंथ और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। यानी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमेशा जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी लिमिटेड, जबकि रेसिमोज के एंड में ऐसा कोई फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसकी ग्रोथ हमेशा आगे कंटिन्यू होती रहेगी, जबकि इसकी ग्रोथ आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तो ये जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रेसिमोज में मेन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रोइंग, जबकि साइमोज में एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर की फॉर्म में, जो तो ग्रोथ हमेशा कैसी हो गई, लिमिटेड, यानी अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा रेसिमोज में जो फ्लावर्स है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में रहते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया,
कि आपको यंग फ्लावर्स दिखेंगे एपेक्स पे। आप यहां पे देखो तो ये यंग फ्लावर्स हैं और ये ओल्ड फ्लावर्स है। तो ओल्ड फ्लावर्स कहां पे प्रेजेंट है? बेस पे। यंग फ्लावर्स कहां पे प्रेजेंट है? एपेक्स पे। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। जबकि साइमोज में इसका उल्टा है। साइमोज में अगर आप देखोगे तो यंग फ्लावर्स आपको मिलेंगे बेस पे। ये सारे यंग फ्लावर्स प्रेजेंट है बेस पे और जितने भी ओल्ड फ्लावर्स हैं वो सारे प्रेजेंट है एपेक्स पे। यानी कि इसके अंदर जो सक्सेशन होता है दैट इज बेसिपिटल सक्सेशन। वर्ड आप ऐसे याद कर सकते हो बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब हो गया कि जितने भी यंग फ्लावर्स है वो बेस पे प्रेजेंट होंगे। और एक्रोपिटल, एक्रो का मतलब होता है एंड, एक्रो मीन्स एंड, यानी जितने भी यंग फ्लावर्स है वो आपको एंड में यानी एपेक्स पे देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के पिक्चर्स है अबाउट रेसिमोज एंड साइमोज। ध्यान रखिएगा नीट में एनसीईआरटी के डायग्राम्स काफी पूछे जाते हैं तो आप डायग्राम्स अच्छे से स्टडी करें। साइमोज में आप देख लो यहाँ पर साइमोज में हर एक एक्सिस इज एंडिंग इन फ्लावर। यहाँ पे भी एक्सिस पे फ्लावर डेवलप हो गया, यहाँ पे भी एक्सिस पे फ्लावर डेवलप हो गया, यहाँ पे भी एक्सिस पे फ्लावर डेवलप हो गया। अब यंग फ्लावर्स हैं जो उसके नीचे नीचे आएंगे यानी बेस की तरफ। ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये यंग फ्लावर्स अभी डेवलप हो रहे हैं तो ये बेस पे प्रेजेंट होंगे। जबकि ये रेसिमोज का पिक्चर है। इस रेसिमोज के पिक्चर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे आपको यंग फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी? लिमिटेड नहीं होती। जबकि साइमोज की ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी यानी अब ये एक्सिस इससे ज्यादा जो है ग्रोथ शो नहीं करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस की। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि फ्लोरल अपेंडेजेस टोटल होते हैं चार और ये चारों एक तरह से वर्ल्स में अरेंजमेंट शो करते हैं। वर्ल्स मतलब इन सर्कुलर पैटर्न। तो टोटल चार सर्कुलर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर्स में जो कि है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। किसी भी फ्लावर के अंदर आपको ये चार अपेंडेजेस हमेशा देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम कैलिक्स से। देखो आपने हर जब भी आप किसी फ्लावर को बड स्टेज में देखोगे तो आप देखते हो कि वो बड में कुछ ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उस बड को पूरी तरीके से कवर करके रखा है, दैट इज कैलिक्स। और उसका काम ही ये होता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में हो तो उसको प्रोटेक्ट करे। और जब यही बड ब्लूम होती है, खिलती है, तो वो कैलिक्स नीचे की तरफ आ जाता है। जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा दिस इज कैलिक्स, दिस इज कैलिक्स। ठीक है, यही कैलिक्स इसको बड बड स्टेज में इसको ऐसे कवर करके रखती है। उसके अलावा कोरोला मतलब कि ये जो आप कलर्ड पेटल्स देख रहे हैं रोज रोज में, इसमें देखिए रेड कलर के जो पेटल्स हैं दीज आर दिस इज कोरोला। उसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हो गया एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गायनोशियम। फीमेल इज गायनोशियम, मेल इज एंड्रोशियम। आप देखना एंड्रोवर्ड हमेशा यूज होता है मेल के लिए और गायनोवर्ड यूज होता है हमेशा फीमेल के लिए। आपने पढ़ा, आपने सुना होगा कि एक जो जो फीमेल डिजीजेस के लिए जो एक डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट उसको आप कहते हो गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो गायनोवर्ड यहीं से यूज किया है। उसके अलावा हम लोग मेल सेक्स हॉर्मोन्स को ह्यूमन बींग्स में क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स। तो एंड्रो मीन्स मेल, तो इससे आप ये चीज याद कर सकते हो। अब इसके अंदर फिर डाउट ये आता है कि सर ये अगर कैलिक्स है तो फिर सेपल क्या है? देखो डिफरेंस क्या होता है कैलिक्स और सेपल में कि इस एक यूनिट को कहा जाता है सेपल और सभी सेपल्स ने मिलकर जो एक अरेंजमेंट बनाया है, जो एक वॉल बनाया है, इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स। यानी द एंटायर ग्रुप इज कैलिक्स और उसका हर एक मेंबर इज कॉल्ड एज अ इंडिविजुअल सेपल। इसी तरह से कोरोला, और कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स मिलकर बनाते हैं कोरोला। उसके अलावा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल जो स्टेमन्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट उसमें होते हैं। अब आपको स्टेमन्स के बारे में आपने पढ़ा रहेगा, दिस इज ए स्टेमन, यहाँ दिख रहा होगा आपको स्टेमन में आपने दो पार्ट पढ़े होंगे। दिस पार्ट दिस इज टर्म्ड एज एंथर और एंथर को नीचे बेस पे कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। यानी एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं एक सिंगल स्टेमन और ये सभी स्टेमन्स मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम। और लास्ट में आता है गायनोशियम। गायनोशियम के भी बारे में आपने पढ़ा रहेगा कि गायनोशियम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस पार्ट जहां पर आकर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। सबसे नीचे वाला बेस वाला पार्ट जो स्वोलन रहता है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स और इन ओव्यूल्स में जाकर बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। और ओवरी को ऊपर स्टिग्मा से कनेक्ट करने वाला पार्ट यानी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मिलकर बनाता है गायनोशियम। नाउ वी वेरी वेल नो
फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है वो होता है केवल एंड्रोशियम और गायनोशियम, जबकि कैलिक्स कोरोला का रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, इसलिए कैलिक्स कोरोला को कहा जाता है एसेसरी ऑर्गन्स, जो जस्ट हेल्प कर रहे हैं बट इनका डायरेक्ट रोल कोई नहीं है। और एंड्रोशियम और गायनोशियम यानी स्टेमन और कार्पल को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऑल कार्पल्स फॉर्म गायनोशियम, ऑल स्टेमन्स फॉर्म एंड्रोशियम। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर के। नेक्स्ट बात करता हूँ थैलेमस की। देखो थैलेमस का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर का जो पेडिसल यानी कि जो स्टॉक है, उस स्टॉक का जो सबसे लास्ट पार्ट जो एंड वाला पार्ट है वो स्वोलन रहता है। देखो ये स्टॉक है तुम्हारा, दिस इज दी स्टॉक ऑफ फ्लावर। मतलब स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप समझो ये एक स्टेम है, इस स्टेम पे जो ये इस तरह से एक फ्लावर है, तो ये फ्लावर है ठीक है, और ये दिस पार्ट जो कि फ्लावर को स्टेम से जोड़ के रखता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक। तो जब आप स्टॉक का सबसे एंड वाला पार्ट देखोगे यानी ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज थैलेमस, दिस इज दी स्वोलन एंड पार्ट ऑफ स्टॉक और पेडिसल। ध्यान रखना फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल भी कहा जाता है। तो स्टॉक और पेडिसल का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट इज स्वोलन ठीक है, और इसी थैलेमस पे या इसी रिसेप्टिकल पे आपके कैलिक्स कोरोला एंडोशियम और गायनोशियम सबके सब आकर अटैच होते हैं। आप इस फिगर को अच्छे से देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये आपका कैलिक्स थैलेमस पे अटैच्ड है, कोरोला थैलेमस पे अटैच्ड है, ये स्टेमन थैलेमस पे अटैच्ड है, और ये गायनोशियम ये भी थैलेमस पे अटैच्ड है। यानी बेसिकली थैलेमस और रिसेप्टिकल्स पे सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, आप इस फ्लावर को देख के बताओ इसमें कैलिक्स कौन सा और कोरोला कौन सा है, यानी सेपल्स कौन सा और पेटल्स कौन सा होता है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स में डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे फ्लावर्स के इस तरह के अपेंडिजेस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है पेरियंथ, यानी ये कहलाता है पेरियंथ। अब आप इस पेरियंथ, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, हाँ ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, हाँ दिस इज पेरियंथ। इस पेरियंथ को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये कैलिक्स है या कोरोला है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, इसलिए इसे कहा जाता है पेरियंथ, एंड इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिली फ्लावर। तो जो एंटायर लिलियसी फैमिली है उस लिलियसी फैमिली में आपको पेरियंथ देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर्स के टाइप्स की। तो वी ऑल नो फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाय मींस टू, यानी ऐसा फ्लावर्स जो जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, यानी स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और पिस्टिल भी प्रेजेंट होगा। पिस्टिल इज कार्पल यानी कि गायनोशियम, गायनोशियम और एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, और अगर इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस फिगर में देखो दिस इज गायनोशियम, और इस गायनोशियम के दोनों तरफ एंड्रोशियम प्रेजेंट है यानी कि प्रेजेंट है स्टेमन्स, यानी इसके अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज बाइसेक्सुअल ठीक है। इस फिगर में देखो आप, इस फिगर में आपको जो है गायनोशियम देखने को नहीं मिलेगा, कार्पल नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर केवल प्रेजेंट है स्टेमन, इसलिए इसे कहा जाता है मेल फ्लावर, दिस इज ओनली मेल फ्लावर। नेक्स्ट पिक्चर में देखो यहां पर आपको स्टेमन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां पर प्रेजेंट है केवल कार्पल, तो दिस इज अ फीमेल फ्लावर। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर होगा या फिर मेल फ्लावर होगा, और बाइसेक्सुअल में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ फ्लावर्स को सिमेट्री के बेस पे किस तरह से डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स के बेस पे वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। पहले देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं। आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में देखो आप, मैं इस पर्टिकुलर फ्लावर को अगर यहाँ बीच में से कट करूं ये यहाँ पे, तो मैं इसको एग्जैक्ट दो पार्ट लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकता हूं, और वो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल एक दूसरे की क्या है, कॉपी। इसको मैं अगर इस एक्सिस पे कट करूं तब भी मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, जो दोनों एक दूसरे की होगी एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पे भी एक और प्लेन है जहां पे मैं इसको कट कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी इस फ्लावर के दो इक्वल पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, या फिर ऐसे फ्लावर्स जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उसको आप कहते हो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। रेडियल सिमेट्री का मतलब यही होता है कि आप इस फ्लावर को उसके किसी भी रेडियल पे आप बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो।
फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स अलोंग एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन में। अब आप इस, ये पहला प्लेन है जिसमें कट कर सकते हो, ये सेकेंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन। तो आप इस फ्लावर को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं फ्लावर्स विद रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। और इनके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से वो मस्टर्ड, धतूरा और चिली, सरसों, धतूरे का फूल और मिर्ची, ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है ये है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक की बात करता हूँ। इस फ्लावर को देखो आप, इस फ्लावर को अगर मैं इस एक्सिस पे कट करूँ, इस प्लेन पे, अब ये वर्टिकल प्लेन है, अब इस वर्टिकल प्लेन में मैं इस फ्लावर को बराबर दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। देखो दो दो पार्ट्स में नहीं, दो आइडेंटिकल पार्ट्स। अब इस एक वर्टिकल प्लेन के अलावा आप इस फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी दूसरे प्लेन में कट नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे कट करके देखो, जब आप इसको ऐसे कट करके देखोगे तो आपको नीचे वाले में पोर्शन में ये दिखेगा, ऊपर वाले में ये दिख रहा है, यानी दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें होती है बायलेटरल सिमेट्री, जिसका मतलब होता है कि आप फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में केवल एक वर्टिकल प्लेन में ही कट कर सकते हो, जो उसका सेंट्रल एक्सिस है, अदरवाइज आप उसे किसी और प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और इनके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है पी, गुलमोहर, बीन और केशिया, ये चार एग्जाम्पल्स है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के। नेक्स्ट बात करता हूँ असिमेट्रिक फ्लावर। अब आपके सामने ये एक फ्लावर है, आप इसको किसी भी प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो किसी भी तरह की सिमेट्री शो नहीं करते, या फिर आप कह सकते हो कि ये इरेगुलर सिमेट्री शो कर रहा है, इरेगुलर फ्लावर्स है वो, और किसी भी प्लेन में आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और इसका सिंगल एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, और वो है कैना। तो ये तीन अलग अलग सिमेट्री जो आपको फ्लावर्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि फ्लावर्स के अंदर कितने कैलिक्स कोरोला है, कितने सेपल्स और पेटल्स हैं, उसके बेस पे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो ट्राइमरस, टेट्रामरस और पेंटामरस। ट्राय का मतलब होता है थ्री, टेट्रा मीन्स फोर और पेंटा मीन्स फाइव। ट्राइमरस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सेपल्स और पेटल्स जो है वो तीन के मल्टीपल में प्रेजेंट हो गए, तीन, छ, नौ। अगर इस तरह इतने नंबर में फ्लोरल अपेंडिजेस होंगे तो वो कहलाएगा ट्राइमरस। टेट्रामरस में जो फ्लोरल अपेंडिजेस हैं वो चार के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। अब आप इस फिगर में देखो, आपको वन, टू, थ्री और फोर, फोर पेटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज टेट्रामरस। यहाँ पे आपको तीन दिख रहे हैं तो दिस इज ट्राइमरस। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल फोर हो, जो भी होगा वो फोर के मल्टीपल में होगा, फोर या एट, ठीक है। तो ये होते हैं टेट्रामरस। नेक्स्ट बात करता हूँ पेंटामरस फ्लावर की। पेंटामरस नाम से समझ में आ रहा है आपको, इसमें टोटल आपको टोटल पांच पेटल्स आप देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये हमेशा पांच के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं पेंटामरस फ्लावर्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक्ट्स की। इस ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको यहां पर देखना दिस वन, ये क्या है, दिस इज कैलिक्स, दिस इज कैलिक्स। अब आप इस फ्लावर के नीचे जस्ट बेस पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। This is a bract. This is a bract. It is present at the base of pedicel. ये pedicel है. This is pedicel. तो यहाँ पर आपको base पे देखने को मिलेगा एक reduced leaf. This is called as bract. अब अगर ये bract present है या नहीं है, इस base पे दो types के flowers होते हैं, bracted and ebracted. नाम से समझ में आ रहा है, bracted flowers वो होंगे जिनके पास bracts present होती है, और ebracted वो flowers है जिनमें bracts present नहीं होते। नाउ ओवरी की पोजीशन के बेस पे, जो गाइनोशियम की पोजीशन के बेस पे, आप फ्लावर्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर। वापस बता रहा हूं मैं, वर्ड को अगर स्प्लिट करें तो गाइनो, गाइनो वर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहला, इट इज यूज फॉर फीमेल, यानी कि हम लोग इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी जो गाइनोशियम है, उस गाइनोशियम के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो ये इस पिक्चर में आप देखो, इस पिक्चर में ये गाइनोशियम वाला पार्ट है, ये ओवरी हो गया, दिस इज दी गाइनोशियम का पार्ट और ये उसकी ओवरी। अब जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है दूसरे, ये आप एंड्रोशियम को देखो, ये एंड्रोशियम ओवरी के बेस से ओरिजिनेट हुआ है, यहां से कोरोला को देखोगे तो वो भी ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हुआ है, कैलिक्स को देखोगे तो कैलिक्स भी ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हुआ है। यानी कि अगर फ्लोरल पार्ट्स
ओवरी के लेवल के नीचे से ओरिजिनेट होते हैं, तो सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे की तरफ, एपी का मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ, पेरी का मतलब होता है उसके चारों तरफ यानी उसके आसपास। तो हाइपोगाइनस का मतलब हो गया कि सारे फ्लोरल पार्ट्स गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है सारे फ्लोरल पार्ट्स गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए हाइपोगाइनस फ्लावर। अब बिकॉज सब कुछ गाइनोशियम के नीचे प्रेजेंट है यानी ओवरी सबसे सुपीरियर पोजिशन में है, इसलिए सच टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज अ सुपीरियर ओवरी। एक हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी इज ऑलमोस्ट इज ऑलवेज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज एज द हाईएस्ट पोजीशन, इसलिए सच एन ओवरी इज कॉल्ड एज अ सुपीरियर ओवरी। एंड द एग्जांपल्स आर मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ये तीनों फ्लावर्स मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल्स याद करने के लिए निमोनिक्स होते हैं बहुत सारे, आप चाहें तो हमारे निमोनिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर जितने निमोनिक्स है उनको याद कर सकते हैं जिनसे आपको एग्जांपल आसानी से याद हो जाएंगे, बिकॉज नीट में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है एपिगाइनस फ्लावर। तो एपी मतलब हो गया ऊपर की तरफ, सब कुछ यानी जितने भी फ्लोरल अपेंडिजेस है वो गाइनोशियम के ऊपर लेवल से निकलेंगे, सच फ्लावर इज कॉल्ड एज एपिगाइनस फ्लावर। अब आप देखो यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स आर अबव द ओवरी लेवल, सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के लेवल के ऊपर रहेंगे, इसलिए ये कहलाएगा एपिगाइनस फ्लावर। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये ओवरी हो गया, दिस इज दी ओवरी। अब कैलिक्स ओवरी के ऊपर है, कोरोला यानी कि पेटल ओवरी के ऊपर है, और एंड्रोशियम भी ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए ये फ्लावर होगा एपिगाइनस फ्लावर। और बिकॉज ओवरी सबसे नीचे वाले पोजिशन पे, तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फीरियर ओवरी। अब इस केस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो थैलेमस है वो थैलेमस का मार्जिन ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। इस पिक्चर में देखो आप, यहाँ पर ये थैलेमस है, तो ये थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो हुआ है इसे। अब थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो होने के बाद की वजह से जो ओवरी है उस थैलेमस ने उस ओवरी को चारों तरफ से एनक्लोज कर लिया, यानी ओवरी आ गई थैलेमस के अंदर। अब फ्लोरल अपेंडिजेस बाकी के कहाँ से अराइज होंगे, ये सब अराइज होते हैं थैलेमस से। तो थैलेमस के अंदर ही एम्बेड हो गया ओवरी और उसके ऊपर से बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कि सेपल्स पेटल्स और ओरिजिनेट हुए, इसलिए ओवरी रह गई सबसे नीचे वाले लेवल पे इन्फीरियर ओवरी, और द फ्लावर इज कॉल्ड एज एपिगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट है पेरिगाइनस फ्लावर। पेरी मतलब हो गया आसपास, यानी जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो सारे फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी के आसपास ही प्रेजेंट होंगे। एपिगाइनस फ्लावर के जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो है गुआवा, क्यूक्यूम्बर और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स, तो ये सीधे सीधे इनके एग्जाम्पल। इस पिक्चर में देखो, अगर आप इस पिक्चर में ये थैलेमस में ये ओवरी, ओवरी के ही लेवल पे प्रेजेंट है स्टेमन, उसी के लेवल पे प्रेजेंट है कैलिक्स, और उसी के लेवल पे प्रेजेंट है ये पेटल, तो इन सब का लेवल करीब करीब साथ में है, तो सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेरिगाइनस फ्लावर। कुछ सेम इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो फ्लोरल पार्ट्स एंड ओवरी आर ऑल एट द सेम लेवल and such type of ovary is called as half inferior ovary. अब this is not completely inferior, half inferior है बस, इसलिए इसको कहा जाता है half inferior ovary, और इनके examples है plum, rose और peach. Examples आपको याद कर रहे हैं, exam में example based questions काफी पूछे जाते हैं। Next चलते हैं parts of flowers पे। तो flower पे कौन कौन से parts है, हम already बात कर चुके हैं इसके बारे में। चार floral whorls आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है calyx यानी जो सेपल्स का ग्रुप, सेकंड है कोरोला यानी पेटल्स का ग्रुप। इस पिक्चर में आपको ये जो दिख रहा है दिस इज कोरोला, ये सारे एनसीईआरटी के पिक्चर्स हैं इसलिए समझें अच्छे से। ये जो पार्ट है नीचे ग्रीन कलर का, दिस इज कैलिक्स, दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज पेडिसल। जो बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज गाइनोशियम, जो तीसरा फ्लोरल अपेंडेज है, और चौथा पार्ट वो है एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो स्टेमन्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे किसी भी फ्लावर के अंदर। तो इस पिक्चर को अगर हम लोग इन इन फ्लावर में जितने भी पार्ट्स दिखाए इस पर्टिकुलर फ्लावर में सबको मैं अलग अलग करूं तो दिस इज कैलिक्स, ये सारे पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला, ये सभी स्टेमन्स मिलके बनाएंगे एंड्रोशियम, और ये कार्पल बनाता है गाइनोशियम। तो दीज आर फोर बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, आप किसी भी फ्लावर में किसी भी पिक्चर को देखोगे तो आपको जो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो हमेशा होगा कैलिक्स। अब ये पिक्चर आपके सामने है तो आप देख लो इसमें सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, ये कैलिक्स। आप इसको कंपेयर करो इस बड से, अब इस बड में देखो, इस बड में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, कैलिक्स।
ठीक है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपने देखा होगा, बट हमेशा ग्रीन दिखती है आपको, बिकॉज कैलिक्स उसको उस पूरे फ्लावर के अंदर जितना भी कोरोला स्टेमन्स और पिस्टिल्स है उन सबको उसने कवर करके रखा हुआ है। कैलिक्स का मतलब ही होता है आउटर कवरिंग, दैट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट वॉल। अब द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स एज वी डिस्कस्ड। और कलर कैसा रहता है, लीव के जैसा ग्रीन रहता है ये। और इसका मेन काम क्या रहता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। नाउ अब कैलिक्स किसी फ्लावर में कैसा अरेंजमेंट शो करते हैं, उसके बेस पे हम फ्लावर्स को दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, गैमोसेपल्स एंड पॉलीसेपल्स। देखो गैमो, गैमो वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो गैमोसेपल्स यानी कि जो सेपल्स है वो सारे फ्यूज्ड है। इस पिक्चर में देखो आप, इस पिक्चर में आपको सेपल्स जो दिख रहे हैं ये केवल यहाँ पे आपको ऐसा अलग अलग लग रहा है, बाकी नीचे की तरफ आपको ऐसा लगेगा जैसे एक सिंगल सेपल है। अब है तो बेसिकली अलग अलग, बट ये सारे सेपल्स आपस में क्या है, फ्यूज्ड। तो सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ गैमोसेपल्स फ्लावर। इसके ऑपोजिट आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो आपको क्लियर अलग अलग सेपल्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं पॉलीसेपल्स फ्लावर। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोला की। कोरोला में आप देखो, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कोरोला की। ये जो छह पिक्चर्स है आपके सामने, इन छह पिक्चर्स से एक बात तो काफी क्लियर हो रही है कि जो कोरोला की यूनिट्स जो है पेटल्स, ये बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स शो करती है। और इनके इतने अलग अलग ब्राइट कलर्स में होने का सबसे मेन रीजन है वो ये है कि ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। तो दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। द मेंबर्स आर कॉल्ड एज पेटल्स एंड दे हैव गॉट डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। जैसे आप ये देखो, ये वाले शेप में जो सबसे पहला शेप है, इट लुक्स लाइक अ फनल। तो दिस इज अ फनल शेप्ड कोरोला। यहाँ पर ट्यूब लाइक कोरोला पेटल्स देखने को मिलेंगे आपको, तो दिस इज ट्यूबुलर टाइप ऑफ पेटल। यहाँ पर आपको जो कोरोला दिख रहा है वो है बेल शेप्ड, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक बेल है जो मंदिर में घंटी रहती है उस तरह की बेल है, इसलिए इसको बेल शेप्ड कोरोला है। एंड दिस इज अ व्हील शेप्ड कोरोला, कंप्लीट एक ऐसा लग रहा है जैसे व्हील प्रेजेंट है, तो ये दिस इज अ व्हील शेप्ड कोरोला। तो कोरोला का शेप अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का रहता है ना। अब फ्लावर में कोरोला यानी जो पेटल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा, उसके बेस पे फ्लावर दो टाइप के हो जाएंगे, गैमो पेटलस और पॉलीपेटलस। ये वही कंसेप्ट है जो हमने सेपल्स में यूज किया था, गैमो का मतलब हो गया फ्यूज्ड। तो अब आप इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में आपको जो कोरोला है वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड दिखेगा, आपके पेटल्स अलग अलग नहीं है इस केस में। ये देखो यहाँ पर, तो दिस इज कोरोला, ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे एक सिंगल पेटल है, ठीक है, ये दिस इज नॉट डिवाइडेड। तो फ्यूज्ड पेटल्स अगर प्रेजेंट हो तो गैमो पेटलस। इसमें देखो आप पॉलीपेटलस वाला कंडीशन देखो आप, ये देखो यहाँ पर, ये एक सिंगल पेटल, ये दूसरा सिंगल पेटल, ये तीसरा सिंगल पेटल। यानी अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, तो सच अ कंडीशन या सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ पॉलीपेटलस फ्लावर। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फ्लावर वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका ये पहला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें ताकि फ्लावर वाला टॉपिक कंप्लीट हो सके। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस।